इंडिया में मिलियंस ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इंडियन अकाउंटिंग में जॉब करती है, और सच कहूं 30,000 40,000 50,000 की जॉब को अचीव करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक इंडियन अकाउंटेंट कैसे ग्लोबल अकाउंटेंट बन सकता है, कैसे इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन सकता है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है, ऐसा स्पेशलाइजेशन जिसको कि पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, और गाइस वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसके बेसिस पर ना केवल इंडिया में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब अकाउंटिंग होती है। तो एक बार अगर आपने IFRS के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर लिया, तो आप डोमेस्टिक से, आप एक इंडियन अकाउंटेंट से ग्लोबल इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाते हैं। और गाइस, द बेस्ट पार्ट ऑफ IFRS, ओनली वन पेपर, वन एग्जाम, 6 मंथ की स्टडी आपके इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू बिकम ए ग्लोबल अकाउंटेंट, आपको आपके इस डिसीजन में CS शमी सलूजा का ये कमिटमेंट कि आप इंडियन अकाउंटेंट से इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाए।